स्टूडेंट्स मैनेजिंग ऑनलाइन क्लासेस वर्सेस डूइंग सेल्फ स्टडी चैलेंज फॉर ऑल ऑफ यू एंड इन फैक्ट अ थ्री वे बैटल जहां आपको ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करनी है चाहे वो आपकी ऑफलाइन कोचिंग की हो या फिर आपने ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर रखा हो वर्सेज सेल्फ स्टडी वर्सेज स्कूल टाइमिंग सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू वट इज दी मास्टर बाई विच यू कैन मैनेज ऑल द थ्री और मैं ये मान के चल रहा हूं ये बच्चे किसके लिए हम बात कर रहे हैं हम एक आई टी जई एक्सपेरेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो जैसे ही मैं वर्ड यूज करता हूं जेई जेई राइट सो द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर बच्चों कि आपके हूँ सीबीएसई जो है यार वो बॉल गेम है ही नहीं सी बी एस ई या फिर आपका जो स्कूल बोर्ड है वो आपका गेम नहीं है आपको वहां पर जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं उनको कैसे यूज करना है सर हमें नहीं समझ में आता तो ये आपने देखा होगा क्लास इलेवेंथ में भी दैट आपके कई जो क्लास के अच्छे बच्चे होते थे वो अपना क्या करते थे कोचिंग का मॉड्यूल लाते थे और पीछे बैठ के सॉल्व करते थे टीचर सामने पढ़ा रहा होता था ये तो देखा जाए ब्लेसिंग इन है कि अब जूम पे क्लासे रही या टीम पे क्लासेस क्लासेस हो हो रही रही हैं हैं या तो आपको फिजिकली टीचर आके आपकी सीट पे चेक नहीं कर सकता है कि आप क्या कर रहे हैं गलत है बट क्या करें अगर आपको आई टी तो आपको टाइम तो चाहिए तो इसीलिए आप आगे से क्या करेंगे प्लीज एनी में सीबीएसई की जो ऑनलाइन क्लासेज आपकी चल रही है आपको पता है कि आपको माइक और वीडियो ऑफ करके क्या काम करना है वो निकालना है जिससे थर्ड ऑप्शन हट जाए कमिंग टू पॉइंट नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग टेन टू ट्वेल्व आवर्स ऑफ स्टडी इफ यू आर अगर आप कुछ भी कंसिडर कर रहे हैं ना कि आपको आई टी की जर्नी में कुछ करना है ट्वेल्व टू टेन टू ट्वेल्व आवर्स अब इसको आपको स्प्लिट करना पड़ेगा दो रीजन में कौन कौन सा सर मैं करूंगा सेल्फ स्टडी ठीक है और मैं देखूंगा ऑनलाइन लेक्चर्स ऑनलाइन लेक्चर्स

आपको मिलते हैं लाइव और आपको मिलते हैं रिकॉर्डेड ठीक है और उसमें भी दोनों ही में अच्छे अच्छी बात भी होती है और बुरी बात भी होती है तो लाइव में जनरली क्या होता है कंटेंट वर्सेस टाइम कॉन्टेंट मिसमैच होता है आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है बिकॉज लाइव में ऑब्वियस ही बात है लाइव की तरह चलता है रिकॉर्डेड में कंट्रोल बटन सारा तुम लोगों के पास होता है अगर आप डिटर्मिंड हैं बिलीव मी रिकॉर्डेड इज बेस्ट वे टू परफॉर्म बट अगर आप क्लास इलेवेंथ में है तो हाँ हो सकता है लाइव आपके लिए बेटर है क्योंकि वो एक माहौल जरूरी होता है बट रिकॉर्डेड के और लाइव में दोनों में है सेशन अब कई बच्चे क्या करते हैं वो पहले बैठ के पूरी या तो रिकॉर्डेड लेक्चर देखते हैं पूरा बैठ के लाइव लेक्चर देखते हैं और उसके बाद शॉर्ट नोट्स की प्रोसेस शुरू करते हैं डोंट डू दैट सेम थिंग ट्वाइस सो बेटर

ठीक है मल्टीपल टीचर्स से पढ़ रहे हैं मल्टीपल कोर्सेज इट्स नाउ हाई टाइम कि आप लोग कोई एक कोर्स को फिक्स कर लें मल्टीपल कोर्स या मल्टीपल टीचर से पढ़ने का कोई फायदा नहीं है रैंक आपके पढ़ने पे आने वाली टीचर के पढ़ाने पे रैंक नहीं डिपेंड करती है आपके पढ़ने पे रैंक डिपेंड करती है तो इसी में आपको मल्टीपल कोर्सेज स्ट्रिक्ट नो नो है एक कोर्स पे ही फोकस करके पढ़ाई करिए थोड़ा टाइम समय लगेगा बट उसको फिक्स कर लीजिए कि मुझे इस इसी कोर्स में पढ़ना है इस टीचर से पढ़ना है चाहे वो फ्री हो चाहे कुछ भी हो ठीक है फोर टू फाइव एच वन आर वन आर थर्टी मिनट मैक्स ब्रेक ले लेके पढ़िए और कभी भी दो कंटिन्यूस में मत पढ़ाई करिए तो क्या मतलब है अगर आपका लाइव सेशन वन लाइव वन कर देते हैं लाइव वन हुआ और लाइव टू है तो कोशिश करिए कि इनके बीच में एक आपका सेल्फ स्टडी का सेल्फ स्टडी का एक सेशन आ जाए उससे क्या होगा आपको नेसेसरी ब्रेक जो चाहिए था आई इसको जो ब्रेक चाहिए था वो भी मिल जाएगा क्योंकि कई कई बच्चों की हमारे पास प्रॉब्लम आती है कि सर वो कहते हैं लाइव सेशन वन लाइव सेशन टू लाइव सेशन थ्री कर करके सर माय आईज आर गेटिंग स्ट्रेन वो आई स्ट्रेन भी हट जाएगा सो so, हर दो लाइव सेशन के बीच में इफ़ पॉसिबल कई कई बार नहीं होगा पॉसिबल बट अगर पॉसिबल है तो सेल्फ स्टडी के सेशन लाइए इसमें कई बच्चों का आएगा सर मैं तो स्कूल के सेशंस होते हैं उनका क्या करें स्कूल वाला सेशन तो स्कूल के सेशन में आप अपना सेल्फ स्टडी वाला आर ज्यादा तो नहीं डाल पाएंगे बट

ठीक है अगर आपका अभी वहां तक ही नहीं हुआ है तो उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ट रिसोर्स है यार वाई नीड टू गो एनीर एल्स प्लस अगर आपका जेई एडवांस का लेवल चल रहा है तो जेई एडवांस के क्वेश्चन आपके पास सफिशियंट होंगे क्यों होंगे सफिशियंट क्योंकि आप जहां भी पढ़ रहे होंगे वहां आपको रिलेवेंट मटेरियल मिल रहा होगा उसी पे स्टिक करिए इधर उधर देखने का टाइम नहीं है तो इन ओवरऑल अगर मैं एक ओवरऑल पिक्चर बनाता हूं तो तुम्हें ये अब समझ में आ रहा होगा तुम्हारे पास टाइम एक्चुअल में ही नहीं है प्रॉब्लम इज

किसी दिन ऐसे स्प्लिट हो जाएगा तो घबराना नहीं है कि सर बहुत कुछ चेंज हो गया ये भी सब कुछ ये सारे फंडामेंटल्स सही है फोर 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 फाइव थ्री किसी दिन ऊपर किसी दिन नीचे ये चलता रहेगा बट इनमें एक अब आगे से स्ट्रिक्ट रूल मेंटेन करके चलेंगे हम लोग कि हमारा फोर्टी इज टू सिक्सटी स्प्लिट होना चाहिए सिक्सटी सेल्फ स्टड सब कोर्सेज हो सकता है कोर्स कितना भी बढ़िया क्यों ना हो पर वो रिजल्ट तभी लाएगा जब आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे सब कुछ काम कंप्लीट होगा तब आप खुद क्वेश्चन सोल्व करेंगे होता है ना कहीं एक बार लगता है मैं पढ़ रहा हूं मैं पढ़ रहा हूं पढ़ रहा हूं मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे जो बोलते हैं सर मैं बहुत पढ़ रहा हूं पूछा कितना पढ़ रहे हो सर मैंने आज ना चार लेसन देखे यूट्यूब पर बैठ के मान के चलिए वो जीरो पढ़ाई है जीरो पढ़ाई है वो कि मैं पहली दिन से बोलता आ रहा हूं अभी भी क्लियर कर रहा हूं अभी भी टाइम है सुधर जाइए अगर आप बोलते हैं कि मैं सर दिन में नौ घंटे पढ़ता हूं और चार सेशन डेढ़ डेढ़ घंटे के ऑनलाइन अटेंड करता हूं आपकी कोई पढ़ाई नहीं हो रही है कोई पढ़ाई नहीं हो रही है उस नौ घंटे को भी अगर आपको प्रोडक्टिव बनाना है बेटर है दो ही लेक्चर अटेंड करिए डेढ़ डेढ़ घंटे के और रिमेनिंग सारा टाइम क्वेश्चन सॉल्विंग करिए उससे आपका रिजल्ट बनेगा तो अब आपको समझ में आ रहा होगा मेरे पास टाइम ज्यादा नहीं है टाइम ज्यादा देना किसको है सेल्फ स्टडी क्वेश्चन सॉल्विंग दैट इज वेयर यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग एंड देन स्पेंड टाइम ठीक है सोचिए अपना प्लान बनाना शुरू करिए आपको कैसे काम करना है ठीक है गॉड ब्लेस नेक्स्ट वीडियो बाय बाय